यहाँ बहुत लोग हैं ऐसे जिनको उनके खुद के बच्चों ने घर से निकाल दिया है। अब जब इनकी डेथ भी हो जाती है तो इनके परिवार के लोग इनको देखने नहीं आते हैं। मैं अपने हाथों से ही इनका जो मल मूत्र उठाता हूँ, लैट्रिन बाथरूम सब करना, इनके डायपर बांधना। मैं जब इनको ये पता लगता है मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ तो मुझे चिपट जाते हैं चारों तरफ से, मेरे पैरों में पड़ जाते हैं, मेरे को गले लग जाते हैं, मेरे हाथ चूमते हैं। मेरे लिए तो ये मेरा परिवार है, मुझे इनकी सेवा में ही सुकून मिलता है। मैं आज अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि एक ट्रक ड्राइवर होके मैं आज 200-250 लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और ये जब सभी वो लोग हैं जिनको हम रोड से रेस्क्यू करके लेके आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, नंगे होते हैं एकदम, ऐसी स्थिति में मैं अपने ही कपड़े उतार के पहना देता हूँ। कई लोग लैट्रिन बाथरूम कपड़ों में किया होता है, सबसे पहले ला के हम उनको नहलाते धुलाते हैं। और ये लोग तो बाहर सड़कों पर पड़े रहते हैं, कूड़ा करकट खाते हैं, तो इसलिए इनको सबसे पहले अच्छा खाना बहुत जरूरी है। अपने माँ बाप से ज़्यादा उनकी सेवा करता हूँ, सेवा जो कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को उनके अंदर मेरे माँ बाप नजर आते हैं। फाइनेंशियल तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, और इनके लिए मैंने अपना घर भी बेच दिया है, क्योंकि ये वाला हमारा रेंट पे है, इसका मैं अभी इतना रेंट भी नहीं दे पा रहा हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा घर बनाऊँ, तो और ज़्यादा लोगों की हम यहाँ सेवा कर पाएंगे। जो लोग आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब इनके घर बनाने के लिए आप इन लोगों की मदद करिए। एक एक ईंट की मुझे जरूरत पड़ेगी, और जितना अच्छा घर होगा उतने मैं अच्छे से इनको रख पाऊंगा।